बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स अना स्नोई इवनिंग कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम उसमें लेसन करेंगे अलिट्रेशन। अलिट्रेशन इज़ द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स इन नेबरिंग वर्ड्स। अलिट्रेशन जो है वो जो पहली साउंड्स होती हैं वर्ड्स की, उनको बार बार दोहराने को अलिट्रेशन कहते हैं। जैसे एली, एट, एप्पल्स, ऑल, आफ्टरनून। आप देखें हर वर्ड जो है वो ए से शुरू हो रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, सैली स्माइल्ड ऑल सैटरडे एंड संडे। तो सैली स्माइल्ड सैटरडे एंड संडे, यहाँ पे भी सारे जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो एस से शुरू हो रहे हैं कि सैली ने मुस्कुराती रही तमाम हफ्ता और इतवार के दिन। इसी तरह एमी ऑलवेज अवॉइड्स एंट्स। एमी लड़की का नाम है, ऑलवेज हमेशा अवॉइड्स एंट्स, एंट्स को चींटी को पसंद नहीं करती। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। शी वो लड़की सेल्स बेचती है सी शेल सिपियाँ बाय द सी शोर, समुंदर के किनारे। आप देखें कि सारे वर्ड्स जो हैं वो एस से शुरू हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। आप देखें कि इनको एकदम से कहना मुश्किल होता है, इसको इसलिए इनको टंग ट्विस्टर भी कहते हैं। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। क्यों इनको अलिट्रेशन को यूज़ क्यों किया जाता है? कैरेक्टर्स आर गिवन इन नेम्स टू अपील टू चिल्ड्रन एंड स्टैंड आउट्स। इसके बच्चे इससे अट्रैक्ट होते हैं, कैरेक्टर्स को ऐसे नाम दिए जाते हैं और ये चीज़ें फिर ज़्यादा बिकती हैं। इसी तरह खूबसूरती बढ़ती है इन राइटिंग। फ्रेजेस हैं, होम स्वीट होम, बिजी एज अ बी, गुड एज गोल्ड, और पोइम्स के नाम में भी इसको यूज़ किया जाता है, स्लीक सील्स, डिपिंग, डाइविंग। तो प्यारे बच्चों, हम इतनी मुश्किल लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो कुरान तो बहुत ही आसान ज़बान में अल्लाह ताला ने हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा, और अल्लाह ताला खुद कहता है कि कुरान को अल्लाह ने आसान बनाया है। तो हमें चाहिए कि अगर हम अच्छे मुसलमान, अच्छे इंसान, अच्छे पाकिस्तानी शहरी बनना चाहते हैं तो हमें कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए। कम अज़ कम रोज़ की तीन आयात जो हैं वो तर्जमे के साथ पढ़ना अपने ऊपर लाजिम कर लें। हमें अपनी हैसियत का पता चले, हमें अपने रब का पता चले, और हम जो मुंह से कहते हैं वो हमारे अमल में भी आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने कुरान मजीद की कम अज़ कम तीन आयात तर्जमे के साथ पढ़नी है। अब हम जो पोएम पढ़े हैं उसमें अलिट्रेशन की मिसालें देखते हैं। जैसे हुज वुड्स, दोनों जो हैं अल्फाज वो डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है। इसी तरह हिज हाउस, तो दोनों जो वर्ड्स हैं एच से शुरू हो रहे हैं। और एक और एग्जांपल है फर्स्ट आंजा में, सी वी स्टॉपिंग, तो ये भी एस से शुरू हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज के लेसन अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।